ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स के कार्य में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार ना दिए जाने से खफा बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। बम्बर ठाकुर का कहना है कि राज्य में 70-30 अनुपात के तहत प्रोजेक्टों में बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रावधान किया गया है, बावजूद इसके बिलासपुर में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैरत भरा ये इसलिए भी है क्योंकि मजदूर से लेकर इंजीनियर तक सभी बाहरी राज्यों से आए हैं। जिला में केवल दो बड़े रसूखदार ठेकेदारों को काम दिया गया है, जिसके लिए वे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद करना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों के हितों को दरकिनार करते हुए इन बड़े ठेकेदारों को तरजीह दी गई है। कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स के कार्य में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार न दिए जाने से खफा बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बम्बर ठाकुर का कहना है 70.30 रेशो के तहत प्रोजेक्टों में बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रावधान लागू है, बावजूद इसके बिलासपुर में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हैरत भरा ये है कि मजदूर से लेकर इंजीनियर तक सभी बाहरी राज्यों से लगाए गए हैं। जिला में केवल दो बड़े रसूखदार ठेकेदारों को काम मिला है, जिसके लिए वे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद करना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों के हितों को दरकिनार करते हुए इन बड़े ठेकेदारों को तरजीह दी गई है। बुधवार को यहां परिधि गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्स निर्माण कार्य में स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी किए जाने को लेकर बम्बर ठाकुर ने जेपी नड्डा और स्थानीय विधायक पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि कुछ एक ठेकेदारों से अक्सर घिरे रहने वाले विधायक अपनी ही मस्ती में मस्त है, जबकि पूर्व कांग्रेस के समय विकास कार्यों के लिए जारी किया गया बजट अभी तक खर्च नहीं हो पाया है। उन्होंने इस बात पर रोष प्रकट किया है कि जिले में केवल दो ठेकेदारों को काम दिया गया है कि सबसे अधिक करीब हैं। जब वह स्थानीय लोगों के साथ धरना देने कोठीपुरा पहुंचे तो एक रसूखदार ठेकेदार ने वहां पहुंचकर धमकाना शुरू कर दिया। यही नहीं, एडीएम कार्यालय के बाहर धरना देते समय इस रसूखदार ने आंदोलन खत्म करने के लिए चेताया। आखिरकार जनता को डराने धमकाने वाले ये रसूखदार होते कौन है? चुनावों का फायदा लेने के लिए हड़तालें चली, हड़तालों के बाद लंबी जदोजहद के बाद काम शुरू हुआ, और जब काम शुरू हुआ तो अब करीब 5,000 मजदूर से लेकर ऑफिसर तक वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, यूपी के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। नड्डा जी ने वायदा किया था कि 16,000 नौजवानों को मैं एम्स में नौकरियाँ दूंगा। अब हम ये प्रसन्न कर रहे हैं माननीय नड्डा जी से कि 16,000 तो दूर हैं, अब एक आदमी बताओ कि जिसको वहाँ पर काम मिला है। हाँ, हम धन्यवाद दिए नड्डा जी के कि उन्होंने बिलासपुर के दो अति गरीब लोगों को काम दिया है, जिनके पास 200-200 बल्कर चल रहे हैं, 200 की जगह 400 चल रहे हैं, और जो 18 टन की बजाय 40 टन 50 टन माल 35 वर्षों से लेकर के जा रहे हैं, जिसका टैक्स उन्होंने अदा नहीं किया आज तक, वो नंद प्रकाश बोरा, जिसका पेट, जिसकी गरीबी बोगियों से नहीं भरी, वो आदमी आज एम्स के अंदर दूध की सप्लाई कर रहा है, दही की सप्लाई कर रहा है, पानी की सप्लाई कर रहा है। हजारों सैकड़ों किसान जो उस इलाका के हैं, जिनको रोजगार मिलना चाहिए था, उस रोजगार के ऊपर भी इस सरमाएदार से उनके पेट में लात मारी गई है, और गरीब लोगों के साथ जो हमारे जो नौजवान लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके साथ अन्याय किया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों को रोजगार दे और नड्डा साहब सरमाएदारों के चुंगल से बाहर निकले।